मेरा नाम हुसैन हैदरी है। मैं एक पोएट, एक लिरिसिस्ट और एक फिल्म राइटर हूँ। और मैं दो कविताएं, एक नज़्म और एक हिंदी कविता आपको सुनाना चाहूँगा। पहली जो है उसका उनवान नज़्म है, उसका उनवान है दोगले। ये लिखी गई है दिल्ली में जो हिंसा हुई उसके बाद, जो लोग बोथ साइडिज्म करते हैं, जो लोग दोनों तरफों की बात करते हैं, ये नज़्म उनको ध्यान में रखकर लिखी गई है दोगले। ये दास्तानों को बुनने वाले, ये एक रास्ता न चुनने वाले, ये दोनों तरफों की कहने वाले, ये बीच में जाके रहने वाले, तमाम दुनिया के सामने अब सबक मोहब्बत का दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो हुआ है वो हो गया है, सो भूल जाओ। ये कह रहे हैं कि जो दुकानें, जो दिल जले हैं वो भूल जाओ। ये कह रहे हैं कि घर में घुसकर सितम जो ढाए वो भूल जाओ। ये कह रहे हैं कि जो है कातिल, अब उनके नामों को भूल जाओ। ये कह रहे हैं कि दफन कराओ सारी लाशों को खामोशी से। ये कह रहे हैं कि अब दबा दो तमाम चीखों को खामोशी से। ये कह रहे हैं कि अब सड़क पर उतरना रातों को खामोशी से। ये कह रहे हैं कि सुनते जाओ अमन की बातों को खामोशी से। ये दुख पे मेरे ना रोने वाले, ये वक्त पड़ने पे खोने वाले, ये मुस्कुरा के मुकरने वाले, ये खौफ खा खा के मरने वाले, तमाम दुनिया के सामने जो सबक मोहब्बत का दे रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ यारो, ये दोगले हैं, ये दोगले हैं। ये चाहते हैं कि जालिमों के जो जुल्म है वो ना हम गिनाए। ये चाहते हैं हर एक इल्ज़ाम को बराबर ही बांटा जाए। ये चाहते हैं तबाहियों पर सवाल कोई भी ना उठाए। ये चाहते हैं उदासियों पर ज़्यादा मातम भी ना मनाए। ये चाहते हैं कि इनके दामन पे खून के दाग लग ना जाए। ये चाहते हैं कि जिक्र इंसाफ का कहीं पर ना होने पाए। पुरानी चालाकी है ये इनकी, ये किस्से हम पहले सुन चुके हैं। रफा दफा कर रहे जो मसला, ये शर्म और डर से भर गए हैं। खड़े थे कातिल का साथ देने, ये बात अब ये भी जानते हैं। लहू की सुनवाई हो ना जाए, सो हाथ पहले ही धो रहे हैं। ये अब जो बदनाम हो रहे हैं, ये अब जो तारीख में लुट रहे हैं, ये आप इज्जत ही को खो चुके हैं। ये एक ही बात कह रहे हैं, ये दोगले हैं, ये दोगले हैं, ये दोगले हैं, ये दोगले हैं। तो ये पहली कविता लोहे दोगले। और अब मैं आपको दूसरी हिंदी कविता सुनाऊंगा, जो कि आधारित है धूमिल की एक कविता लोहे का स्वाद के ऊपर। तो धूमिल की ये चार पंक्तियाँ थी कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। लोहे का स्वाद उस लोहार से मत पूछो, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। तो उन उन चार पंक्तियों के ऊपर ये जो मैंने कविता लिखी है कि जो ऑप्रेसर, जो ऑप्रेस्ड होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑपरेशन की कहानी एक जैसी कहे, वो अपना लहजा उसका एक जैसा रहे ऑपरेशन को बयान करने का। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक तरीका नहीं है। लोहे का एक स्वाद हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इस कविता का नाम है लोहे के स्वाद। लोहार ने पढ़ ली सुदामा पांडे धूमिल की कविता और सीधा पहुंच गया अस्तबल पूछने घोड़ों से ही लोहे का स्वाद। लोहार ने पढ़ ली सुदामा पांडे धूमिल की कविता और सीधा पहुंच गया अस्तबल पूछने घोड़ों से ही लोहे का स्वाद। कुछ ने हिनहिनाते हुए कहा, थोड़ा फीका, थोड़ा तीखा, थोड़ा कड़वा। कुछ ने पैर पटकते हुए कहा, थूक जैसा, खून जैसा, पस जैसा। कुछ ने लगाम खींचते हुए कहा, गुलामी का, विवशता का, क्रोध का। घोड़े चीखने लगे एक साथ, मच गया अस्तबल में शोर। और लोहार ने उठा लिया लोहे का हथौड़ा, दे मारा एक लोहे के सर। फिर पूछा सन्नाटे में, अब बताओ मुझे, धीमे स्वर में, शुद्ध भाषा में, शांति और प्रेम से, एकमत होकर, लोहे का स्वाद। थैंक यू सो मच। सो दीज आर माई टू पोएम्स, दोगले एंड लोहे के स्वाद।